श्वेता मुझे समझ में नहीं आता है उनकी जो हमको लेके जो इनकी 24 घंटे सिर्फ रिपब्लिक रिपब्लिक रिपब्लिक, अरे कुछ काम करने को नहीं है क्या उनको? दिन भर रिपब्लिक रिपब्लिक रिपब्लिक, अपने वकीलों को 10 20 50 लाख रुपए देते हर बार हमारे खिलाफ खड़े होने के लिए। अरे इतनी सामग्री, और उद्धव ठाकरे जी सुन लीजिए, इतनी सामग्री, इतनी आर्थिक शक्ति, इतना सत्ता का घमंड, अगर आप इसकी 1% भी जनता के लिए करते तो लोग आपको याद करते। आज आप चाहे ना चाहे, उद्धव ठाकरे जी लिसन टू मी, आप हार गए आज। और क्या सोचा था कि तलोजा जेल में मुझे ठोकरे खिलाकर मुझे चेंज करेंगे? मैं चेंज नहीं करूंगा उद्धव जी, मगर आपको आज तलोजा जेल के बाहर होना चाहिए था। जब मैं वापस आया, वो मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं थे, वो जनता थी वहां पे, और जनता सब जानती है और जनता सब कुछ देख रही है। तो उद्धव ठाकरे, आई हैव अ मैसेज फॉर यू, यू हैव बीन डिफीटेड। And his loyal police commissioner, I want to say, what can you do? Would you like to arrest me again? Tell me, for truly, besides my raspy voice, there is no change within, but I have gone through a transformation in the last 8 days. I have been through a transformation. And let this voice reach you, and through everybody watching tonight, through all of you who have given your lives for this network, I want to tell you, you have dared to treat journalists and people working in media organizations like terrorists. And let me tell you, Mr. Thackeray, that yesterday inside Taloja jail, are you hearing me? Inside Taloja jail, even the inmates were shocked. Even the inmates of Taloja jail were shocked when there were pictures of my friend and brother and colleague Ghanshyam with a mask around his head being taken like a terrorist at 7 in the morning from his house. Shame on you, Uddhav Thackeray, for doing that. Shame on you. We are not terrorists. You are the one who thinks that you can use and misuse the law. The courts are watching you, but the courts of public opinion are also watching you. You have no right to use illegal methods against our organization anymore. And through all of you today, I am telling all the people of India, for all this love, endless support, itna pyar, itna samarthan, mujhe kya aapko laga ki jail ke andar mujhe pata nahi chala? Are जेल के अंदर समर्थन, जेल के बाहर समर्थन, रास्तों में समर्थन, लोगों के बीच में समर्थन, लोगों के दिल में समर्थन, देश में समर्थन, हर राज्य में समर्थन, ये समर्थन प्राप्त होता है, ये समर्थन लोग जीतते हैं, ये समर्थन। ये समर्थन, ये समर्थन 24-25 साल के पत्रकारिता और कठिन परिश्रम से हमने कमाई है, तुम कौन होते हो लेने वाले? और अगर, और मैं उद्धव ठाकरे को कह रहा हूं, और हिंदी में कह रहा हूं ताकि भारत की सारी जनता समझ ले इस बात को, अगर उद्धव ठाकरे तुम्हें लगा कि लोग तुम्हारे साथ है, तो इतनी गलत फहमी में कभी मत रहना।
लोग हमारे साथ है उद्धव ठाकरे, भारत की जनता रिपब्लिक नेटवर्क के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। और तुम लोग कहते हो कि पत्रकारिता की सीमा होती है। किसने तय की पत्रकारिता की सीमा? तुम कौन होते हो तय करने वाले पत्रकारिता की सीमा? सीमा मैं तय करूंगा, मेरे रिपोर्टर और मेरी टीम तय करेगी। और दूसरी बात, उद्धव ठाकरे कहां थे तुम? मेरा सवाल है आपसे, कहां थे तुम जब हमने कॉमनवेल्थ स्कैम, कॉमनवेल्थ कांड की एक्सपोज किया 2010 में? तुम कहां थे उद्धव ठाकरे जब आदर्श स्कैम हमने एक्सपोज की थी और जब अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री पद से निकल गए थे? तुम कहां थे तब? तुम कौन हो हमें सिखाने वाले पत्रकारिता और पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा देने वाले, लिखने वाले तुम कौन होते हो? ये बात समझ लो, इट इज एन एब्सोल्यूट एंड स्ट्रेट डेयर टू यू, यू कैन नॉट टच द रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। In my life, unlike you, Uddhav, I am not afraid to lose because I have nothing to lose. I am not attached to things like you. But this network is not a material thing. This network is an idea. It is a thought. It is a faith. It is an ideology. अगर आपको हमारे सोच और हमारी विचारधारा के साथ प्रॉब्लम है तो वन टू वन आमने सामने टीवी पे लोगों के सामने लड़िए, ये पीठ पीछे वार करके किसी के घर में घुस के क्या दिखा रहे हो आप? क्या दिखाया आपने? कानूनी अरेस्ट की और इस वक्त तक एक बार भी आपने माफी नहीं मांगी। किसी के घर के घुसकर गैर कानूनी अरेस्ट करवाते हैं, फर्जी केस, पुरानी केस अचानक उठा के डराने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ पिस्तौल, मशीन गन लेके किसी के घर के अंदर घुस के 20 लोग एक आदमी को खींच के कपड़े नहीं पहनने देना, जूते नहीं पहनने देना, ये क्या प्रूव किया आपने? मैं आज चाहता हूं कि भारत की जनता उद्धव ठाकरे को पूछे कि उद्धव जी आपने भाई क्या प्राप्त किया पिछले 8 दिनों में? शांति हो गई दिमाग में? मगर आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तोड़ दिया इस देश में। आपने संविधान की शपथ खाई थी जब आप मुख्यमंत्री बने थे कि आप संविधान की रक्षा करेंगे। आपने संविधान किया, उल्लंघन किया उद्धव ठाकरे, खुलेआम लोगों के सामने आपने उल्लंघन किया। किसने आपको वो हक दिया कि हमारे संविधान का उल्लंघन आप सबके सामने करें? और बाकी जो आगे की बात है, ये नेटवर्क रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, all my colleagues, each and every member of our team has come out stronger from this. Is agni pariksha se hote hue, is kathin agni pariksha se hote hue, main aaj elan karta hu Uddhav Thackeray ki ye channel aur hum aur mere jitne sahakarmi hain aaj pehle se bhi zyada unka hausla buland hai ki nahi, mujhe batao, hai ki nahi, hai ki nahi? किसको डराओगे?
अरेस्ट करेंगे, बुलाएंगे, जर्नलिस्ट को बुलाएंगे, तुम्हारे इस न्यूज रूम में कितने लोग काम करते हैं, न्यूज रूम का सॉफ्टवेयर बताओ, अंग्रेजों के टाइम के जुल्म आप करोगे, यातनाएं आप देंगे, आप क्या कर रहे हो भाई? आपको महाराष्ट्र के लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, इस नेटवर्क के पीछे पड़े और कुछ नहीं करना है, आप करिए, क्योंकि आपके साथ जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, याद रखिए आप दोनों हमारे देश की न्याय और कानून व्यवस्था का खुलेआम आप लोग धज्जियां उड़ाने हैं इस देश में, आप भी उड़ाने अगर आप कर रहे हैं और आपके साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो अंत में मैं ये कहूंगा, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल नहीं झुकेंगे, सीधा हमारा निशाना है सच्चाई की तरफ, और सच्चाई के लिए संग्राम करने का सौभाग्य हमें मिला है, और इसको सच्चाई के लिए जो संग्राम हम करेंगे वो इसके आगे और बुलंद होगा। रिपब्लिक नेटवर्क को मैं और एक बात आज कहना चाहता हूं, जो हमारे सारे देश के लोग देख रहे हैं, दूसरे मीडिया वाले, अगले 11 से 12 महीने में राज्य के, भारत के हर राज्य में, हर प्रांत में रिपब्लिक नेटवर्क अपनी भाषा में हम लॉन्च करने वाले हैं। रोक सको तो रोक लो। और उद्धव ठाकरे, रोक सको तो रोक लो। और उद्धव ठाकरे, ले जाओ मुझे जेल, और एक बार मैं जेल से भी लॉन्च कर दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। उद्धव ठाकरे, अकेले आप हो, मेरे साथ तो मेरी टीम है, पूरे भारत के लोग हैं। और अगले साल हर लैंग्वेज में, और सुन लो उद्धव ठाकरे, अगले 16 से 17 महीने के अंदर अगर रिपब्लिक ने इंटरनेशनल स्टेज में इंटरनेशनल मीडिया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया, मैं अपना नाम बदल लूंगा। आप अपनी सत्ता का ख्याल रखो, रिपब्लिक भारत और आगे जाएगा। और एक बात सुनो उद्धव ठाकरे, आमी सुप्रीम कोर्ट ने जो मुझे समर्थन किया, मराठी में मुझे बोलिए, आमी सुप्रीम कोर्टाचा आभारी आहोत। सत्यावर आमचा विश्वास आहे। महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ हैं। जय महाराष्ट्र।